हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है मेघास ब्लॉसमिंग गार्डन। आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस होलिका दहन के बाद दूसरे दिन जो राख बच जाती है वो बहुत ही उपयोगी होती है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आप उस राख को समेट कर रख सकें। ये राख बहुत ही उपयोगी है हमारे गार्डन में, तो आज हम इसी राख के बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। होलिका दहन के बाद जो राख बच जाती है वो अपने बागों में और खेतों में पेस्ट और इंसेक्ट्स को मारने के लिए बहुत ही ज्यादा उपयुक्त है। होली दहन के बाद जो राख बच जाती है वो ऐसी ही वेस्ट हो जाती है, तो उसका हम उपयोग कर सकते हैं अपने गार्डन में। वो राख हम कोयले सहित जमा करके छान के रख सकते हैं। मीडियम साइज का पॉट जब हम भरते हैं तब उसमें एक चम्मच राख को सॉइल में मिक्स करके डाल सकते हैं। राख को आप किसी भी पॉट में दो मुट्ठी सॉइल को गुड़ाई करके उसमें भी डाल सकते हैं। और जैसे एफिड्स मिलीबग्स का अटैक होता है हमारे पौधों पर, तो उस पर भी हम राख का डस्टिंग करके पेस्ट्स को अपने पौधों से दूर रख सकते हैं। इसके लिए आप 1 लीटर पानी में 2 टीस्पून राख मिलाकर भी स्प्रे कर सकते हैं। ऐसा क्या होता है इस राख में? तो इस राख में बहुत ज्यादा मात्रा में पोटैश, फास्फोरस, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स, कैल्शियम और कार्बन जैसे सभी न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध होते हैं। इसीलिए में जो राख मिलती है उसे हम साल भर के लिए अब स्टोर करके उसका उपयोग अपने गार्डन के लिए कर सकते हैं। लकड़ी या गोबर के कंडों की या फिर सूखे पत्तों की राख भी स्टोर करके रख सकते हैं। लकड़ी की राख में फास्फोरस और कैल्शियम ज्यादा होता है और सूखे पत्तियों की राख में मैग्नीशियम ज्यादा होता है। इसे पोटैश के रूप में हम साल भर यूज कर सकते हैं। NPK जो कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम पौधे की ग्रोथ में जरूरी मैक्रोन्यूट्रिएंट है, इसमें K यानी पोटेशियम और पोटैश का उत्तम सोर्स है राख। राख में पोटैश के साथ फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन भी होता है। जिस मिट्टी में पोटैश की मात्रा सही होती है उस मिट्टी में पानी का सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, पौधे की डिजीज से लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, फूलों के डार्क रंग और फूलों में स्वीटनेस के लिए भी ये उपयुक्त होती है। फल और फूल ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, फलों की टेस्ट रस बढ़ जाता है और कलर भी बहुत अच्छा होता है। लेमन अगर बीच में से क्रैक हो रहा है तो उसमें राख ऐड कर सकते हैं। छोटे पौधों में डालने के लिए 1 चम्मच राख काफी है। राख का एक और उपयोग है कि बीजों को कई सालों तक राख में अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। राख का पेस्ट बनाकर बीजों को उसमें भिगाते हैं और उसे छांव में सुखाकर काफी दिनों तक स्टोर करके रखा जा सकता है। राख एक अच्छी पेस्टिसाइड भी है। जिन पौधों पर लीफ माइनर का अटैक होता है उस पौधों के पत्तों पर राख का छिड़काव करें तो लीफ माइनर से छुटकारा मिल सकता है। एकदम सस्ता, टिकाऊ और उपयोगी पेस्ट कंट्रोल है राख। राख पानी को पकड़कर रखती है, पानी को सोखती है और सॉइल की पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता को भी बढ़ाती है। राख को मिट्टी में मिलाने से हानिकारक इंसेक्ट्स मर जाते हैं और उपयोगी जीवाणु को कोई नुकसान भी नहीं पहुँचता है। पॉट में मिक्स करें तो मिट्टी में मॉइस्चर बना रहता है और पौधे बहुत अच्छे रहते हैं और सॉइल का टेक्सचर भी बहुत अच्छा होता है। पौधों पर राख की डस्टिंग करने से वर्म्स पर कंट्रोल मिलता है। एफिड, स्पाइडर माइट, मिली बग्स पर ये बहुत उपयोगी है। आपने देखा होगा अगर आप सेम फली के पौधे लगाए या क्रिसैंथेमम, उन पर हमेशा ब्लैक एफिड्स का हमला होता है। ऐसे में उस पर राख मिले पानी का स्प्रे करें तो ये एफिड्स कंट्रोल होते हैं। डस्टिंग पौधों पर करना है तो राख को कॉटन के पतले कपड़े में डालकर उसे बांध ले और उससे आप पौधों पर अच्छे से डस्टिंग कर सकते हैं। घर पर जब आप कंपोस्टिंग बनाते हैं अगर वो ड्राई हो रहा है तो उसमें थोड़ी राख मिला ले तो कंपोस्ट में जितना मॉइस्चर चाहिए वो मेंटेन रहता है। गमले भरते वक्त भी सभी इंग्रेडिएंट्स के साथ थोड़ी राख मिक्स करें तो मिट्टी बहुत ही भुरभुरी रहती है। राख के इतने ढेर सारे फायदे तो आपने देख लिए, लेकिन कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। राख अल्कलाइन है नेचर में, इसलिए उसे डालते वक्त इसे बिल्कुल थोड़ी मात्रा में यूज करें। दोपहर की तेज धूप में इसे यूज ना करें। मिट्टी में जब भी राख डालें ये ध्यान रखें कि मिट्टी पूरी तरह से सूखी ना हो।
नहीं तो मिट्टी और भी ज्यादा ड्राई हो जाएगी। इसके लिए एक दिन पहले मिट्टी में पानी मिलाएं और दूसरे दिन मिट्टी में राख मिलाएं। पत्तों पर राख की डस्टिंग ही करें। राख को स्प्रे हमेशा शाम में ही करें, कोई भी सीजन क्यों ना हो। यानी राख डालने के बाद टेम्परेचर कम कम होना चाहिए। सॉइल में राख का यूज करते वक्त मिट्टी की गुड़ाई करके राख नहीं डालना है, बल्कि मिट्टी के ऊपर ही इसे फैलाना है। जब हम मिट्टी में पानी डालेंगे तो राख उस पानी में मिक्स होकर धीरे धीरे पौधों को पोटैश मिलता रहेगा। पौधे पर स्प्रे करते वक्त हमेशा जितनी राख का लिक्विड है उससे 10 गुना ज्यादा पानी मिलाकर हमें उसे स्प्रे करना है। बड़े पौधों में साल में 2 बार राख डाल सकते हैं। पौधों पर फूल आते हैं उस समय मिट्टी में 2 चम्मच राख पत्तों पर डस्टिंग करें, और यही राख फिर मिट्टी में गिरती है तो पेस्ट कंट्रोल के साथ साथ मिट्टी में न्यूट्रिशन भी मिलता रहेगा। बस इतनी केयर अगर करें तो राख का कोई भी नुकसान न होकर फायदा ही होगा। राख को पसंद करने वाले पौधे अगर देखें तो आम, केले का पौधा, कैबेज, कॉलीफ्लावर, बीन्स, पालक, मटर, प्याज, लहसुन, भिंडी, कद्दू, इन सब में राख डाल सकते हैं। लेमन में जूस कम हो रहा है तो 1 मुट्ठी राख मिला सकते हैं। और राख जिन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है वो है आलू, स्वीट पोटैटो, रेडिश। इनमें राख बिल्कुल न डालें क्योंकि राख सॉइल पीएच को बदलने का काम करती है। इसके लिए जिनको एसिडिक मिट्टी पसंद है उनमें राख बिल्कुल न डालें। तो इस होली इस बहु उपयोगी राख को जरूर स्टोर कर लें और अपने गार्डन के ढेर सारे प्रॉब्लम्स पर कंट्रोल पाएं। आशा है आपको जानकारी पसंद आएगी, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे। तो मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।